ऑडियो इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर, ओके। चलिए तो आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्रिपरेशन मेथड, फर्स्ट वन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय रिडक्शन मेथड, सेकंड में सेकंड ए पढ़ा था रिडक्शन ऑफ आरएक्स, रिडक्शन ऑफ आरएक्स। यहाँ पे हम सेकंड बी पढ़ने वाले हैं और सेकंड बी को हम कहते हैं वर्ड्स रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है और वर्ड्स रिएक्शन जो रहेगा वो किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड प्रिपरेशन मेथड, जिसमें हमने वर्ड्स रिएक्शन के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखेंगे वर्ड्स रिएक्शन होता क्या है और काम कैसे करेगा। फर्क है सेकंड ए और सेकंड बी, ये दोनों ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें हमको एल्किल हैलाइड को यूज करना है। तो कल हमने एल्किल हैलाइड का रिडक्शन किया था, आज हमको वर्ड्स रिएक्शन देखना है, ठीक है, ओके। तो वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता है, वर्ड्स रिएक्शन में आर एक्स को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, आर एक्स को। यहाँ पे आर एक्स के दो मोल्स यूज करते हैं और मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। टू मोल्स ऑफ आर एक्स को यूज करेंगे और इनका रिएक्शन टू मोल्स ऑफ एने के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है हमने ड्राई इथर को यूज क्यों किया। ड्राई इथर का मतलब होता है वो इथर जिस इथर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो ये अनहाइड्रस इथर होता है, ठीक है। तो सोडियम जो होता है ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके एक्सप्लोजन फॉर्म करता है, तो वो एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम रिएक्शन ड्राई इथर के प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग वर्ड्स रिएक्शन करते हैं तो एल्किल हैलाइड और सोडियम मेटल का रिएक्शन करते हैं और ये रिएक्शन हम ड्राई इथर के प्रेजेंस में करते हैं, किसके प्रेजेंस में, ड्राई इथर के प्रेजेंस में। तो इनका रिएक्शन क्या होगा, इनका रिएक्शन ऐसा होगा, ये रहेगा R अटैच टू X, यहाँ पे रहेगा R अटैच टू X, यहाँ पे रहेगा सोडियम और यहाँ पे रहेगा सोडियम। तो इसमें क्या होगा, ये X जो रहेगा वो सोडियम के साथ चला जाएगा, यहाँ पे जो X रहेगा वो सोडियम के साथ अटैच रहेगा और ये एल्किल ग्रुप इस एल्किल ग्रुप के साथ अटैच होगा। एक बात का ध्यान रखना है, हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है उसी कार्बन पे अटैचमेंट होगा। सो टू मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड, टू मोल्स ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर हम ये रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ मिलेगा R अटैच टू R, साथ में मिलेगा टू मोल्स ऑफ NaX, तो ये रहेगा वर्ड्स रिएक्शन। तो इसको हम बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन। एक बात का ध्यान रखना है, ये दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि वह उस कार्बन के थ्रू ज्वाइन होंगे जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच था। एग्जांपल बताता हूँ मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है CH3Cl, यहाँ पे लिखा मैंने CH3Cl, यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे सोडियम है। अब क्या होगा, Cl जो रहेगा वो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे Cl जो रहेगा वो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, ये वाला Cl जो रहेगा वो सोडियम के साथ अटैच रहेगा और ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच होगा। और इफ इस प्रकार का रिएक्शन होता है तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 अटैच टू CH3 अटैच टू NaCl और NaCl के दो मोल, ठीक है। इसमें एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, इसमें एक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में दो कार्बन है, तो रिएक्टेंट के पास कार्बन एटम कम है और प्रोडक्ट के पास कार्बन एटम ज्यादा है। मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, तो एक मॉलिक्यूल के पास एक कार्बन है,
दूसरे मॉलिक्यूल के पास एक कार्बन है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसके पास नंबर ऑन कार्बन एटम जो है वो दो रहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जिस कार्बन के ऊपर ये हैलोजन अटैच है उसी कार्बन के थ्रू हम लोग ज्वाइन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ CH3 अटैच टू CH अटैच टू CH3, यहाँ पे अटैच है CL, यहाँ लिखता हूँ मैं CH3 अटैच टू CH अटैच टू CH3 अटैच टू CL, इनका रिएक्शन करेंगे 2 मोल्स ऑफ Na के साथ, इनका रिएक्शन करेंगे 2 मोल्स ऑफ ईथर के पास। यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, इट इज नॉट एन रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने इसका रीजन क्या बताया था, ये सोडियम जो है ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके एक्सप्लोजन फॉर्म करता है, तो हमको क्या करना है, उस रिएक्शन में से मॉइस्चर को निकालना है। लेकिन हम किसी भी रिएजेंट में या सॉल्वेंट में रिएक्शन करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। ड्राई इथर का मतलब होता है ऐसा इथर जिसके पास मॉइस्चर नहीं है, और मॉइस्चर नहीं रहेगा तो ये सोडियम वहां पे एक्सप्लोजन नहीं करेगा, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पे हमको देखना पड़ेगा कि ये जो रहेगा। ओके क्लियर, ओके, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ठीक है ना, अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, ये वाला जो क्लोरीन है वो इस सोडियम के साथ चले जाएगा, यहाँ का जो क्लोरीन है वो इस सोडियम के साथ चले जाएगा, और यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन अटैच था वो कार्बन यहाँ के जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन अटैच था ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, और इफ ऐसा होता है तो यहाँ पे हमको मिलेगा CH3 attached to CH attached to CH3 attached to CH3 attached to CH attached to CH3 with 2 moles of NaCl। ये एग्जांपल देने का रीजन ये है, ये एग्जांपल देने का रीजन ऐसा है क्योंकि यहाँ पे हमको यह देखना है कि ये दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप जॉइंट कैसे होंगे, ये देखना पड़ेगा ये दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप जो रहेंगे ये जॉइन कैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन अटैच्ड है, जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन अटैच्ड है ये उसी के थ्रू अटैच्ड होंगे। क्या ये वाला रिएक्शन समझ में आ गया, ठीक है, ओके वेरी गुड, That's clear। ठीक है, तो ये है हमारा वर्स्ट रिएक्शन। इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है क्लियर, नहीं बेटा इसको इसी हिसाब से लिखेंगे, इसको इसी हिसाब से लिखेंगे ताकि फर्दर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है महावीर, ओके, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम क्या कहता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, और यहाँ पे जो कंटीन्यूअस कार्बन चेन है वो कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, ये रहेगा 1, 2, 3 एंड 4, तो इसका नाम रहेगा 2.3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम रहेगा 2.3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके दैट्स क्लियर, ओके सपोज मैं यहाँ पे तीसरा एग्जांपल यूज करता हूँ, और यहाँ मैंने लिखा CH3 अटैच्ड टू CH अटैच्ड टू CL अटैच्ड टू CH2 अटैच्ड टू CH3, मुझे इसका रिएक्शन करना है सोडियम के साथ, तो क्या करना होगा, इसके दो मॉलिक्यूल यूज करेंगे, सोडियम के भी दो मॉलिक्यूल यूज करेंगे, तो ये रहेगा CH3 अटैच टू CL अटैच टू CH2 अटैच टू CH3 अटैच टू Na, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट का IUPAC नेम आपको लिखना है जल्दी, हो जाओ शुरू, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका IUPAC नेम क्या होगा,
तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? अरे बहुत सिंपल है, यहाँ से Cl को निकाल दो, यहाँ से Cl को निकाल दो और इन दोनों को ज्वाइन कर दो, सिंपल है, बन गया, वेरी सिंपल, क्लियर है? 3.4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 3.4 डाइमिथाइल हेक्सेन। देखो बहुत सारे लोगों का आंसर सही है, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का आंसर जो है वो सही है, दैट्स वेरी गुड, ओके नाइस, क्लियर है? तो यहाँ पे हम वर्ड्स रिएक्शन को खत्म करते हैं। तो ये रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन। इस वर्ड्स रिएक्शन में कुछ डाउट्स है तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में लिख के भेजना है। If any queries about the words reaction, then you can write in chat box. ये सेशन 10:30 तक चल सकता है, तो उसके हिसाब से रेडी रहना है। ओके, तो यहाँ पे हम सेकंड रिएक्शन को खत्म करते हैं, दैट इज वर्ड्स रिएक्शन। डबल बॉन्ड नहीं आएगा, डबल बॉन्ड नहीं आएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड वाला ही रहेगा। तीसरा जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इनडायरेक्टली हम यहां पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या यूज करेंगे? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पहला रिएक्शन आता है जिसको हम बोलेंगे 3A, इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या तो रिमूवल ऑफ कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ CO2 या तो एडिशन ऑफ कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड या तो कार्बोनेट को जब ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन, और जब इनको हम लोग रिमूव करेंगे तो उसको हम बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कैसे होता है वो बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा तो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन हम कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं यूज करेंगे, उसके सॉल्ट को यूज करेंगे। मैंने लिखा है R अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू X, इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका IUPAC नेम रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सपोज ये एक H प्लस आयन लूज करेगा तो कन्वर्टेड इनटू R C डबल बॉन्ड O माइनस, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? जब भी कोई एसिड H प्लस आयन लूज करता है तो उसके वजह से एक एसिड निकल जाता है और यहाँ पे आता है ATE। क्या आता है? ATE। तो इसका नाम रहेगा अल्कैनोएट। क्या ये अल्कैनोएट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज्ड है? क्या ये अल्कैनोएट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज्ड है? नो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा सोडियम, तो इसका नाम रहेगा सोडियम अल्कैनोएट, इसका नाम रहेगा सोडियम अल्कैनोएट। सपोज मैंने यहाँ यूज किया CH3 अटैच टू C डबल बॉन्ड O माइनस और Na+, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम पता करने के लिए हम देखेंगे कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं? दो, और जब दो कार्बन रहेंगे तो इसका नाम होना चाहिए इथानोएट,
इसका नाम रहेगा इथानोएट, और इस इथानोएट को स्टेबिलाइज करने का काम कर रहा है सोडियम, तो इसको बोलेंगे हम लोग सोडियम इथानोएट। क्या बोलेंगे? सोडियम इथानोएट, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम दो है, तो इसका नाम रहेगा इथानोएट, और इथानोएट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज काम करने का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने का काम कर रहा है सोडियम, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम इथानोएट। क्या बोलेंगे? सोडियम इथानोएट। सपोज मैं यहाँ पे इस प्रकार से नाम लिखता हूँ, दैट इज CH3 CH2 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ माइनस और के प्लस, इसका नाम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम होना चाहिए 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 है, तो इसका नाम रहेगा ब्यूटानोएट। ब्यूटानोएट को स्टेबलाइज कर रहा है पोटेशियम, तो इसका नाम होना चाहिए पोटेशियम ब्यूटानोएट। दैट्स रियली गुड। बहुत सारे लोगों का आंसर जो है वो सही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा। रिएक्शन में हम यहाँ लिखते हैं R अटैच टू C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस, इसको हम बोलेंगे सोडियम अल्कैनोएट का रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO। रिएक्शन करते हैं सोडियम अल्कैनोएट का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तो यहां से ये निकल जाएगा। क्या निकला, क्या निकला? दो सोडियम, तो इसका नाम रहेगा Na2। दो सोडियम, कितने कार्बन निकल रहे हैं? एक, तो ये रहेगा C। कितने ऑक्सीजन निकल रहे हैं? एक, दो और तीन, तो ये रहेगा Na2CO3। और यहाँ पे हम कार्बोनेट को रिमूव करते हैं, और जिस रिएक्शन में कार्बोनेट को रिमूव करते हैं उस रिएक्शन को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो मुझे बताओ इस एल्किल ग्रुप के पास कितनी वैकेंसी होगी, इस एल्किल ग्रुप के पास कितनी वैकेंसी होगी? तो इस एल्किल ग्रुप के पास एक वैकेंसी होगी। सही है, गलत? इस एल्किल ग्रुप के पास एक वैकेंसी है और इस हाइड्रोजन के पास एक वैकेंसी है, तो क्या होगा, ये एल्किल ग्रुप जो रहेगा वो हाइड्रोजन के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, और जब ये हाइड्रोजन के साथ जॉइंट हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा, इस प्रोडक्ट को हम लिखेंगे R अटैच टू H, और R अटैच टू H को बोलते हैं एल्किल। अब मुझे बताओ इसमें जितने कार्बन रिएक्टेंट में रहेंगे उससे एक कार्बन कम प्रोडक्ट में रहेगा। इसमें कार्बन कितने हैं? R+1। इसमें कार्बन कितना है? R। इसका मतलब कार्बन R+1 है, इस प्रोडक्ट में कार्बन ओनली R है। इसका मतलब इस रिएक्शन में हमको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है उस प्रोडक्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को कंपेयर करते हैं तो प्रोडक्ट में एक कार्बन जो रहेगा वो कम रहेगा, प्रोडक्ट जो रहेगा वो एक कार्बन में कम रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ओके ओके है, चलो इस रिएक्शन को फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान में रखो। इस रिएक्शन को फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान में रखो, ठीक है। ओके, महावीर ध्यान देना है। R अटैच टू C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस, दिस इज सोडियम अल्कैनोएट। इसका रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, और रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो इतना, डिब्बे के अंदर का बाहर जाएगा। डिब्बे के अंदर कितने सोडियम है? दो, तो ये बन जाएगा Na2। कितने कार्बन है? एक, तो एक कार्बन। कितने ऑक्सीजन है? एक, दो और तीन, तो ये रहेगा CO3।
और जिस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड या तो कार्बोनेट बाहर निकलता है उस रिएक्शन को कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है महावीर, अब इस R के पास एक वैकेंसी है और इस H के पास भी एक वैकेंसी है, तो ये R जो रहेगा वो H के साथ चला जाएगा, तो ये R अटैच टू H। ठीक है, इसमें जो कार्बन आइटम है वो R प्लस वन है, मतलब R के साथ एक कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट में कार्बन है वो एक ही है, तो जितने कार्बन रिएक्टेंट में रहेंगे उससे एक कार्बन कम जो रहेगा वो प्रोडक्ट में रहेगा। महावीर अब क्लियर है? ठीक है, ओके महावीर क्लियर है? देवर्स चार्ज आएगा लेकिन हम वन बाय वन नहीं लिखेंगे। CaO क्या है? CaO जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड है और इस कैल्शियम ऑक्साइड का काम होता है, देखो जब आपने S ब्लॉक पढ़ा है, S ब्लॉक ग्रुप नंबर वन पढ़ा है ना, S ब्लॉक, तो S ब्लॉक में आपको बताया होगा कि ये NaOH जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब करने वाला। क्या बोला मैंने? NaOH जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है और ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर को एब्सॉर्ब करता है, मॉइस्चर को, और जब ये NaOH मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेगा तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो NaOH हाइग्रोस्कोपिक है, इसको आप थोड़ी देर के लिए खुला रखोगे तो ये एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा, और जैसे इसके अंदर मॉइस्चर चला गया तो ये NaOH किसी काम का नहीं है, तो ये NaOH इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इस ब्लॉक में आता है ग्रुप नंबर वन में। ठीक है, अब जब ये ऐसा करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, तो हमको क्या करना है, इसके अंदर का मॉइस्चर निकालना है, तो उस मॉइस्चर को निकालने का काम करता है CaO। तो CaO का काम है कि यहाँ पे ये जो NaOH होता है इस NaOH को ड्राई रखने का काम करता है CaO। यहाँ पे CaO ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट है, ना ही कैटलिस्ट है। रिपीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे CaO ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट है, ना ही कैटलिस्ट है, बस जो मॉइस्चर NaOH एब्सॉर्ब करने वाला है उस मॉइस्चर को खाने का काम करता है CaO। तो CaO का काम है एटमॉस्फेयर को ड्राई रखना, CaO का काम होता है एटमॉस्फेयर को ड्राई रखना। ठीक है, ओके महावीर नाउ क्लियर? ओके ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होगा। सपोज मैं बोलता हूं कि मेरे पास रिएक्टेंट है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस, और इसका रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO, तो प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा? प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा? आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट। लेट्स स्टार्ट। आफ्टर कंप्लीशन जस्ट रेज योर हैंड, इफ आपको लिखने में डिफिकल्टी हो रही है तो कोई बात नहीं, आफ्टर कंप्लीशन जस्ट डू रेज योर हैंड। After completion, you have to raise hand. Okay, क्या करेंगे? हम remove करेंगे इसको, इसको remove करेंगे तो ये बन जाएगा Na2CO3 plus, क्या होगा? इस कार्बन के पास एक वैकेंसी है तो ये कार्बन जो रहेगा वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जब वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसका नाम रहेगा CH3 अटैच्ड टू CH3। जिनका आंसर सही था वो हैंड रेज करेंगे, जिनका आंसर गलत था वो कुछ नहीं करेंगे। सही है, ओके ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं यहाँ पे, यहाँ पे मैंने लिखा है CH3 अटैच्ड टू CH अटैच्ड टू CH3
अटैच टू सी डबल बॉन्ड ओ माइनस और एने प्लस, इसका रिएक्शन करना है NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO, देन व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट? यस, इथेन लिख सकते बेटा, ये इथेन ही है महावीर, दिस इज इथेन। इसमें तो प्रोडक्ट मिलेगा, उसका IUPAC नेम क्या होगा? चलो, दो लोगों का आंसर आ गया, तीन। कुछ लोग आंसर नहीं लिखेंगे, हैंड रेस करेंगे तो भी हो जाएगा, जिनका कंप्लीट हुआ है हैंड रेस कर देना है। ओके, चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये मिलेगा CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH3 प्लस Na2CO3, प्रोपेन प्लस Na2CO3। जिसको डाउट है आप चैट में लिख सकते हो, अदरवाइज इस रिएक्शन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। डाउट है चैट बॉक्स में लिखना है। प्रोडक्ट का नेम प्रोपेन, प्रोडक्ट का जो नेम रहेगा, तीन कार्बन है तो प्रोडक्ट का नेम जो रहेगा ये रहेगा प्रोपेन। महावीर नहीं, प्रोपेन को 2 मिथाइल इथेन नहीं लिखेंगे महावीर, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो, ठीक है? सीक्वेंस में रहे या ना रहे, रूल क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम प्रिपरेशन मेथड नंबर 3A को खत्म करते हैं और अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड नंबर 3B। बीच बीच में आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है और बाद में आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है? लिखने के लिए अलग से समय नहीं मिलेगा आप लोगों को। ओके, तो ये था हमारा 3A। अब देखेंगे 3B, इट इज कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस। इट इज कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इस रिएक्शन की खासियत क्या, पहले वो बताता हूं। ये रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में भी आ रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में भी आएगा और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में भी आएगा। तो मैं अल्केन का प्रिपरेशन, एल्कीन का प्रिपरेशन, अल्काइन का प्रिपरेशन तीनों साथ में करा रहा हूं। तो इस रिएक्शन को साथ में देखना है, अच्छे से देखना है। तीन टॉपिक में ये रिएक्शन आएगा, 12 की बात तो छोड़ दो, 11 की बात कर रहा हूं। तो 11 में तीन टॉपिक में आता है और इसीलिए इस रिएक्शन की तरफ ध्यान देना है, इस रिएक्शन को समझना है कि कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, ठीक है? इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है वो 11 में पढ़े थे, वो फिर से रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? इस रिएक्शन में होता है, इस रिएक्शन में होता है R अटैच टू C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस, सोडियम अल्कैनोइड। और ये सोडियम अल्कैनोइड अकेला नहीं होता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वहां पे वाटर प्रेजेंट रहेगा और जहां पे वाटर प्रेजेंट रहेगा वहां पे H प्लस भी रहेगा और OH माइनस भी रहेगा। बोल रहेगा H प्लस भी रहेगा और OH माइनस भी रहेगा। जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड और दूसरे इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक मैंने आपको बताया था, तब आपको बताया था OA वाला, याद आ रहा है? OA याद आ रहा है? OA क्या होता है? OA क्या होता है? OA का मतलब
ओए ओए का मतलब क्या होता है? एनीवन? ऑक्सीडेशन ऑन एनोड, वेरी गुड, दैट्स गुड। तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा, ठीक है। तो अब देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, पहले वो देखते हैं। ऑक्सीडेशन का पहला मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये होते हैं ऑक्सीडेशन के मतलब। तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। नॉर्मल रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हिसाब से जाते हैं, लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक वाला डेफिनेशन देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स ओके, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, तो हमको टारगेट हमारा होना चाहिए एल्केन क्या मिलेगा, बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो नहीं ढूंढना है, हमको मेन प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैंने एनोड लिखा, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस एनोड की तरफ इनमें से कौन कौन आएगा, कार्बोक्सिलेट आएगा, सोडियम आएगा, एस प्लस आएगा या OH आएगा, कौन कौन आएगा इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा इसके तरफ, दो लोग आ सकते हैं, या तो ये अल्कानोरेट आएगा या तो यहाँ पे OH आएगा, ठीक है। और जहां पे एनोड है यहाँ पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, इसमें इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, ठीक है। और किसका ऑक्सीडेशन होगा वो हम पता करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से, ये 11th में पढ़ाया था मैंने रिडॉक्स रिएक्शन में, ज्यादा डीप अभी नहीं जाऊंगा, हल्का सा बताऊंगा। तो हमने देखा था रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो वैल्यू के हिसाब से देखा जाएगा तो इस अल्कानोइड का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और OH का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और इसीलिए इस एनोड के ऊपर OH जो रहेगा वो रिएक्शन नहीं करेगा और अल्कानोएट जो रहेगा वो रिएक्शन करेगा, ठीक है, दैट्स क्लियर, ओके। अब यहां पे ऑक्सीडेशन इसी का करेंगे, तो हमारे पास प्रेजेंट है R अटैच टू C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन करना है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस में हम इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से जाएंगे, तो हमारे लिए पहला डेफिनेशन किसी काम का नहीं है, दूसरा डेफिनेशन किसी काम का नहीं है, हमको तीसरा डेफिनेशन देखना होगा, और तीसरा डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इफ इसको ऑक्सीडेशन करना है तो इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे, इसके ऊपर चार्ज माइनस वन है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया है। इस ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है और ये निगेटिव चार्ज है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, ये बनेगा R अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू O, इनके पास दो लोन पेयर है और एक अनपेयर्ड है, और साथ में उसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, साथ में क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। ध्यान देना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है कंपेयर टू OH, और इसीलिए इसी का होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज मैंने बोला A के ऊपर माइनस टू चार्ज है, और जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बनेगा A प्लस टू इलेक्ट्रॉन, A प्लस टू इलेक्ट्रॉन, तो जितना चार्ज रहेगा उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। सपोज मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे B प्रेजेंट है और B के ऊपर माइनस थ्री चार्ज है और इसका हमको ऑक्सीडेशन करना है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तीन इलेक्ट्रॉन।
सही है। अब यहाँ पे O के ऊपर चार्ज -1 है, देखो -2 चार्ज था तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, -3 चार्ज था तो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, -1 चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल यूज करता हूं तो क्या होगा, R अटैच टू C डबल बॉन्ड O माइनस 1 और लोन पेयर, इसके जैसा दूसरा मॉलिक्यूल। एक रिएक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें से एक और मॉलिक्यूल मैंने लिया, ओके इसका रिडक्स ऑक्सीडेशन करेंगे, R अटैच टू C डबल बॉन्ड, इधर लिखता हूं सर, इधर लिखता हूं, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया R अटैच टू C डबल बॉन्ड O माइन, तो इसके पास रहेगा एक इलेक्ट्रॉन और ये रहेगा ऐसे। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं, जिनको समझा है वो हैंड रेज करेंगे, जिनको दिक्कत है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। Now nothing in chat box, it means आगे बढ़ना है। Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये unpaired है, ये unpaired है, इसका मतलब ये unstable है, इसका मतलब unstable है, ठीक है? Okay, इसका मतलब ये unstable है, unstable है, तो इसको stable करने के लिए हम R और C के बीच का bond करेंगे। तो ये भी कार्बन है और R जो रहेगा ये भी कार्बन है, तो इनके बीच का हम सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन करेंगे, इनके बीच का सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन करेंगे, और जब सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन करेंगे तो R के पास रहेगा एक इलेक्ट्रॉन प्लस C डबल बॉन्ड O कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, CO2। जिस रिएक्शन में CO2 रिलीज होता है उसको डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, तो इस रिएक्शन को आप डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो हमने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया सिमेट्रिकली, जैसे हम सिमेट्रिकली तोड़ेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा आर रेडिकल, साथ में मिलेगा C डबल बॉन्ड O रेडिकल अटैच टू ये वाला। अब क्या होगा, इसको कंबाइन करेंगे तो CO2 बनेगा। अब इस अल्किल ग्रुप के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इस अल्किल ग्रुप के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या होगा, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो इस अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इस अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहां से जो मॉलिक्यूल बनेगा वो रहेगा R अटैच टू R। एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। थोड़ा हेवी है, समझने में टाइम लगेगा, एक दो एग्जांपल लेंगे क्लियर हो जाएगा। ऋषभ बाकी सभी सबको मैं बोल रहा हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करो, मैं एग्जांपल के साथ दूसरा रिपीट करता हूँ। हेवी है, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आएगा तो एल्केन एल्कीन अल्काइन तीनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरा देखने के लिए समझने के लिए मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, उसके बाद ये इरेज करके एग्जाम्पल सॉल्व करो। ठीक है, ओके चलिए, जिस जिसको नहीं समझा है हैंड रेज करो, जिस जिसको नहीं समझा है हैंड रेज करो। ओके ठीक है, देखो
हमको जितने प्रिपरेशन मेथड पढ़ने हैं एलके लिए, ये लास्ट प्रिपरेशन मेथड है, दिस इज द लास्ट प्रिपरेशन मेथड। इसके बाद एलके के प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गए और इसीलिए मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ और यहाँ पे आपको एग्जांपल लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन, दिस इज द लास्ट प्रिपरेशन मेथड, ओके। देवर्ष, एनोड के ऊपर दो कैसे? एनोड के ऊपर दो इसलिए क्योंकि एक सपोज मैंने बोला आपको, आप मुझे थोड़ा सा वाटर लाके दो ग्लास में, तो क्या उस वाटर के ग्लास में एक ही वाटर मॉलिक्यूल रहेगा? बिल्कुल नहीं, एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे। वैसे ही जब भी हम लोग सोडियम अल्कलॉइड का एक्वस सॉल्ट लेंगे तो उसमें ओनली वन अल्कलॉइड नहीं रहेगा, उसमें एन नंबर ऑफ अल्कलॉइड रहेंगे और उसमें से एक ही रिएक्शन नहीं करेगा, सभी के सभी अल्कलॉइड रिएक्शन शो करेंगे। तो मैंने तो दो ही लिखे हैं, मैं सौ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। उसको लिखने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी लिखा है देवर्ष। ऐसा होता है तो वहां पे परोक्साइड बॉन्ड बनेगा, परोक्साइड बनेगा तो ऑक्सीजन के लोन पेयर के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा और इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है दिया। ओके, चलिए एग्जांपल लेता हूं। आई एम राइटिंग CH3 अटैच्ड टू CH2 अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड O माइनस। इसका ऑक्सीडेशन करना है, इसका ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है, ठीक है, ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, ये एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ये एक? ऋषभ बेटा, जितना चार्ज रहेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। माइनस वन है तो एक इलेक्ट्रॉन, माइनस टू है तो दो इलेक्ट्रॉन। इस एक के ऊपर माइनस वन है, इसका मतलब ये एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ओके। हाँ, चलिए जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा, ये बनेगा सी एच थ्री अटैच टू सी एच टू अटैच टू सी डबल बॉन्ड ओ विथ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन विथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होगा, ये कार्बोनिल कार्बन के बीच का बॉन्ड हम सिमेट्रिकल तरीके से तोड़ेंगे और जब सिमेट्रिकल तरीके से तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहां हमको मिलेगा CH3 CH2 अनपेड इलेक्ट्रॉन और साथ में मिलेगा CO2। ये क्लियर है, यस और नो? यहां तक क्लियर है, यस और नो चैट बॉक्स में लिखना है, जिनका ऐसा हैंडल्स कर सकते हो, जिनका ऐसा हैंडल्स कर सकते हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अरे वाह, 20 के ऊपर चला गया, वेरी गुड। हाँ, इसका ही मैं दूसरा मॉलिक्यूल यूज करता हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। इसके ऊपर भी माइनस वन चार्ज है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O विद रेडिकल। समझ में आ गया, ओके। साथ में इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। अब क्या होगा, अब होगा ऐसा, यहां हम सिमेट्रिकल बॉन्ड तोड़ेंगे और जब सिमेट्रिकल बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहां मिलेगा CH3 अटैच टू CH2 रेडिकल विद CO2। ये वाला क्लियर है, ओके। जितना चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, यस महावीर। ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल ये इधर चला गया, तो यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, कितने हो गए, चार कार्बन हो गए। तो फॉर्मूला क्या रहेगा,
ये कुछ इस प्रकार से बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसका नाम रहेगा ब्यूटेन। इसका नाम क्या रहेगा? ब्यूटेन। इसका नाम क्या रहेगा? ब्यूटेन। अरे समझा है तो हेडरेस कर दो, अच्छा लगेगा। समझा है तो हेडरेस कर दो, अच्छा लगेगा। बोल रहे यूट्यूब पे अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। वैसे अरे वाह, 20 हो गए, बस 20 ही। देवस, वेरी गुड क्वेश्चन। देवस का कहना ऐसा है कि सर आपने एनोड का रिएक्शन लिया, कैथोड का क्या होगा? कैथोड का कोई काम नहीं है, जब जिस गांव को जाना नहीं उस गांव का एड्रेस पूछना नहीं, हमको प्रिपरेशन ऑफ एल्केन देखना है। एल्केन मिल गया, काम खत्म। देवस कैथोड को छोड़ दो, जीने दो उसको, उसकी लाइफ। कैथोड के रिएक्शन नहीं देखेंगे, ठीक है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, ठीक है? ओके चलिए, तो ये वाला रिएक्शन आपको समझ में आ गया, प्रोडक्ट का नाम रहेगा ब्यूटेन। वेरी गुड। ओके चले आगे, आगे चले। कैथोड के ऊपर रिएक्शन होगा लेकिन वो हमको नहीं पढ़ना है। सर CO2 को कंबाइन नहीं करेंगे? बेटा CO2 स्टेबल मॉलिक्यूल है, और जो स्टेबल है वो अकेला रह सकता है, और जो अकेला रह सकता है उसको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से कार्बन लिए, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है? मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। महावीर आप व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो महावीर, व्हाट्सएप के ऊपर पूछ लेना है कौन कौन से कार्बन लिए, समझ में नहीं आ रहा है। ओके चलिए मैं इसको करता हूं इरेज, इसको, ठीक है? यहां पे हमने एल्केन बनाया, एल्कीन बनाया, अल्काइन बनाया। यहां पे हमने एल्केन अल्कीन अल्काइन में से क्या प्रिपेयर किया? यस दिया, करेक्ट, एल्केन। ओके चलो, नाउ आई एम राइटिंग CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस अटैच टू CH3, अटैच टू CH3 ऐसे। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो मुझे बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बस मुझे फाइनल प्रोडक्ट का IUPAC नेम बता दो। इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा, बस इतना बता दो। या तो जिसका कंप्लीट हो जाएगा हैंड रेस कर देना है, ये रिएक्शन कंप्लीट कर दो, जिसका कंप्लीट हो जाएगा हैंड रेस कर देना है, और समय मिले तो प्रोडक्ट का नाम लिख लेना है चैट बॉक्स में। वैष्णविया दो मॉलिक्यूल लेते हैं, आपने एक ही मॉलिक्यूल लिया है, दूसरा मॉलिक्यूल कहां गया? वैष्णविया। देवस करेक्ट है, राज वेरी गुड। बस सात छह लोगों का हाथ ऊपर है, अदर्स क्या कर रहे हैं? कंप्लीट करो जल्दी। राठौड़ दिव्या, वेरी गुड, नाइस। जयकत्तर, गुड। चलिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखो मैं एक ही मॉलिक्यूल में पूरा रिएक्शन कर रहा हूं, ये एक मॉलिक्यूल के ऊपर माइनस वन है, वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहां का बॉन्ड हमने सिमेट्रिकल तरीके से तोड़ दिया, तो इसमें से बाहर निकलेगा CO2। ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल यूज करूंगा मैं, तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या रहेगा? CH3 अटैच टू CH, अटैच टू CH3, अटैच टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये अनपेड इस अनपेड के साथ बॉन्ड बनाएगा,
तो मिलेगा CH3 अटैच टू CH अटैच टू CH3 CH अटैच टू CH3 अटैच टू C। ये आंसर जिसको मिला है हैंड रेस करेंगे, ये आंसर जिसको मिला है वो हैंड रेस करेंगे। अरे वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आंसर जिसको मिला है हैंड रेस करना है। ओके चलो, एल्किन मिला था, एल्किन मिला था, अभी जो रिएक्शन किया उसमें एल्किन मिला है, एल्किन मिला है, एल्केन मिला है। ओके चलो, सपोज मैं यहां यूज करता हूं CH2 सी डबल बॉन्ड ओ माइनस वन अटैच टू CH2 अटैच टू सी डबल बॉन्ड ओ माइनस वन। इफ मुझे इसका ऑक्सीडेशन करना है तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन, ओवरऑल चार्ज माइनस टू, इसका मतलब लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। जब ये लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू सी डबल बॉन्ड ओ अटैच टू ओ रेडिकल अटैच टू सी डबल बॉन्ड ओ अटैच टू ओ रेडिकल। सही है यहाँ तक, यहाँ तक सही है। अरे देवस वेरी गुड, नाइस, आई लाइक इट देवस। राज वेरी गुड, नाइस, मजा आ गया देवस एंड राज। ठीक है, अब क्या होगा, आगे जाके यहाँ का बॉन्ड हमने तोड़ दिया तो इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा CO2, ये बन जाएगा CO2। ठीक है, दिया, वेरी गुड। इस बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ पे रहेगा अनपेड और यहाँ पे रहेगा अनपेड, ये अनपेड जो रहेगा वो CO2 बनाएगा। और जब भी एडजेसेंट कार्बन पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इसके पास का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास के एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे हमको मिलेगा इथीन। हम एल्केन के साथ साथ एल्किन भी पढ़ रहे हैं, एक बार देख लो। यस क्लियर, फिलहाल उतना नहीं देखेंगे वो बाद में। समझा नहीं समझा, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने इथीन को बना दिया, किसको बना दिया, इथीन को बना दिया। क्लियर है, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो, नहीं तो आगे चलते हैं। क्रिश्चियन इथेन कैसे मिलेगा बेटा, इसके पास दो हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन, चार ही हो गए। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेड, अनपेड ने अनपेड के साथ बॉन्ड बनाया तो पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ओके। सपोज मैं लिखता हूं यहां पे, प्रैक्टिस करते देखो, दिस इज CH3 अटैच टू CH, CH अटैच टू CH3। देखो जिन लोगों को नहीं समझा था ये एग्जांपल है जिसकी प्रैक्टिस से हो जाएगा। सी डबल बॉन्ड ओ माइनस वन, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ माइनस वन। एक बार आप लोग ट्राई करो फिर मैं बताता हूं, एक बार आप लोग खुद ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। आफ्टर कंप्लीशन जस्ट रेज योर हैंड। देखो जिन लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन लिखने के 10 सेकंड के अंदर उनका आंसर रेडी है। और यही बात मैं आपको पहले से समझाता हूं, कंसेप्ट समझ में आता है तो सब कुछ क्लियर है। ओके चलिए रिएक्शन को आगे लेके जाते हैं। माइनस वन माइनस वन, ओवरऑल चार्ज माइनस टू। ऋषभ मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे,
ऋषभ मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे? ये माइनस वन माइनस वन माइनस टू है। वेरी गुड ऋषभ, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है तुम्हारे मन में, टू इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे तो क्या होगा? यहाँ हमको मिलेगा सी एच थ्री अटैच टू सी एच, सी एच अटैच टू सी एच थ्री अटैच टू सी डबल बॉन्ड ओ रेडिकल अटैच टू सी डबल बॉन्ड ओ रेडिकल। सही या गलत? वेरी गुड, नाइस। अब क्या होगा, यहाँ से हम सिमेट्रिकल बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसके पास एक अनपेड, यहाँ पे एक अनपेड, इसके पास एक अनपेड, इसके पास एक अनपेड, ये बन जाएगा CO2, ये भी बन जाएगा CO2। सही है गलत? सही, वेरी गुड। अब क्या होगा, ये अनपेड इस अनपेड के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक अनपेड ने एक अनपेड के साथ बॉन्ड बना दिया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम चार है, बीच में डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन मिलेगा। जिनका आंसर सही है हैंड रेस कर दो और जिनका नहीं है स्क्रीनशॉट निकाल लो। अरे वेरी गुड, 20 लोग, नाइस, ओके। चलो एक एग्जांपल और देता हूं मैं, ठीक है, अच्छे से करना है। सी एच डबल बॉन्ड सी एच अटैच टू सी डबल बॉन्ड ओ माइनस वन अटैच टू सी डबल बॉन्ड ओ माइनस वन, इसका ऑक्सीडेशन करना है। चलो हो जाओ शुरू, आफ्टर कंप्लीशन रेज योर हैंड। वेरी गुड देवर्ष राज, मजा आ गया, दो सेकंड के अंदर आंसर मिल गया। पलक, वेरी गुड। ऑर्गेनिक में यही होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया तो रिएक्शन कितनी भी बड़ी क्यों ना रहे। यस रिया, सही है। वेरी गुड राज, मजा आ गया, ठीक है, सही है, बहुत अच्छा लगा, इतने जल्दी आपने आंसर दिया राज देवर्ष, नाइस। चलिए रिएक्शन को पूरा करते हैं। ओके, अब इसका मैकेनिज्म मैं करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है। और रिएक्शन को आपने कैसा किया था आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर फोटो भेज के बताओ, समझ गया? रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट बता दिया, आपको पता चलेगा आपका आंसर सही है कि गलत है। आपको बस इतना काम करना है, जो भी आपका रिएक्शन का मैकेनिज्म है उसका फोटो निकाल के मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक है, देखता हूं कितने लोग भेजते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो था ये आता है कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, इसको बोलते हैं कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस से अल्केन भी बनाया, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस से एल्कीन भी बनाया और कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस से अल्काइन भी बनाया। अब एल्केन भी पढ़ा, अल्कीन में भी आएगा, अल्काइन में भी आएगा, लेकिन अब कोलबेस एल्कीन और अल्काइन में रिपीट नहीं करूंगा, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे एल्केन के प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गए, यहाँ पे एल्केन के प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गए। पहला था फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा था फ्रॉम एल्किल हैलाइड, 2A था रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, 2B था वर्ड्स रिएक्शन, थर्ड वाला था फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड ए था डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और उसके बाद वाला था कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। तो यहाँ पे हम प्रिपरेशन मेथड को खत्म करते हैं, क्लास को खत्म नहीं कर रहे, प्रिपरेशन मेथड को खत्म कर रहे, ठीक है, ओके।
ठीक है चलो। सेकंड वाला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आता है फिजिकल प्रॉपर्टी, और किसके फिजिकल प्रॉपर्टी? एल्केन के। जब भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है फिजिकल स्टेट का, इसका मतलब उनका फिजिकल स्टेट कैसे रहेगा। मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन है, एल्केन में मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, डेकेन है, इनका फिजिकल स्टेट कैसे रहेगा। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है, ठीक है, फिजिकल स्टेट का मतलब जो होता है वो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें से कौन सा रहेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको एक नंबर बताता हूं, वो नंबर है 517, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, नंबर है 517। 517 का मतलब होता है इफ एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 से कम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 से कम है तो वो गैसीयस स्टेट में रहेगा। इफ किसी एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 17 से ज्यादा है, 17 से ज्यादा है तो वो रहेगा सॉलिड स्टेट में, और इफ उसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 और 17 के बीच में है, इंक्लूडिंग 5 एंड 17, तो वो रहेगा लिक्विड स्टेट में। सिंपल तरीका है, 517 याद रखो एल्केन के लिए, 5 से कम है तो गैसीय स्टेट में, 17 से ज्यादा है तो सॉलिड स्टेट में, 5 और 17 के बीच में है तो वो रहेगा लिक्विड स्टेट में। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये है फिजिकल स्टेट, कौन सा किस फिजिकल स्टेट में रहेगा, ठीक है, ओके। 517 एक ट्रिक है देवर्स, 517 एक ट्रिक है जिससे हम इजीली याद रख सकते हैं कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कौन से स्टेट में रहेगा। 5 से ये मैं इसको ट्रिक करके यूज करता हूं, कार्बन एटम 5 से कम है तो गैसीय स्टेट में, कार्बन एटम 17 से ज्यादा है तो सॉलिड स्टेट में, कार्बन एटम 5 और 17 के बीच में है तो वो लिक्विड स्टेट में। मैंने पूछा एग्जाम में, पूछा गया CH4 कौन से स्टेट में रहेगा, CH4 कौन से स्टेट में रहेगा, तो इसके पास कार्बन एटम कितना है, एक ही है, तो सिंपल सी बात है 5 से कम आ रहा है तो गैसीय स्टेट। यहां लिखा गया था C3H8 कौन से स्टेट में रहेगा, C3H8 कौन से स्टेट में रहेगा, 5 से कम है तो गैसीय स्टेट में। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये ट्रिक है, फॉर्मूला नहीं है, ट्रिक है। मैंने लिखा C5H12 कौन से स्टेट में रहेगा, ये 5 और 17 इंक्लूडिंग ये आता है लिक्विड स्टेट में, तो दिस इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। सपोज मैंने यहां पे लिखा है C20H42, तो ये कौन से स्टेट में होगा, बस कार्बन को देखना है, महावीर सिंपल फंडा है, ये कार्बन को देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, तो ये जो रहेगा ये सॉलिड स्टेट है। ये 517 को यूज कैसे करना है समझ में आ गया, 517 ट्रिक होने से काम नहीं है, 517 वाले ट्रिक को यूज कैसे करना पड़ेगा वो समझना है। समझा है नहीं समझा है, क्लियर है, समझा है तो हैंड रेस करो, जिनको 517 समझ में आ गया हैंड रेस कर दो, जिनको 517 समझ में आ गया हैंड रेस कर दो। वेरी गुड, सिंपल ट्रिक है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल स्टेट वाला, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल। साहिल बोला तो है 5 से ज्यादा है तो गैस, 5 से कम है तो गैस, 5 से ज्यादा है तो सॉलिड, 17 से ज्यादा है तो सॉलिड, 5 है तो भी लिक्विड, 17 है तो भी लिक्विड, उनके बीच में है तो भी लिक्विड, साहिल ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला पॉइंट जो आता है वो आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड जो पॉइंट आता है वो आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में पॉइंट नंबर 1, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। और सेकंड मतलब ये आता है रूल नंबर वन, रूल नंबर वन। और जहां पे रूल नंबर वन काम नहीं करता है वहां पे रूल नंबर टू, रूल नंबर टू कहता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, तो ये दो रूल्स यहाँ पे है, इनको एक बार लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट वेट फॉर वन मिनट। ग्रेसी एक्वस स्टेट का मतलब होता है वाटर में मिक्स करेंगे, और जब किसी को भी वाटर में मिक्स करेंगे तो सिंपल सी बात है वो लिक्विड स्टेट नहीं होगा, ग्रेसी। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, पहले रूल नंबर वन यूज करेंगे, जहां पे रूल नंबर वन से काम नहीं बनता है वहां पे रूल नंबर टू लगाएंगे, डायरेक्टली रूल नंबर टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके। मैंने पूछा CH3 अटैच टू CH3, नंबर टू CH3 अटैच टू CH2 और CH3, वन और टू में से किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वन और टू में से किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका होगा, टू का। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, इसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, तो जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा सिंपल सी बात है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, अब नंबर थ्री CH3 CH2 CH2 CH3, नंबर फोर CH3 CH CH3 एंड CH3, थ्री और फोर में से किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, थ्री और फोर में से किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ओके, थ्री के पास टोटल कार्बन कितने हैं, थ्री के पास टोटल कार्बन कितने हैं, चार। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, दस। फोर के पास टोटल कार्बन कितने हैं, फोर के पास टोटल कार्बन चार है और हाइड्रोजन दस है। इसका मतलब दोनों के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, दोनों के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी सेम रहेगा। देखो, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, जब सब कुछ सेम रहेगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा, और जब मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा तो रूल नंबर वन नहीं लगा सकते हैं। रूल नंबर टू क्या कहता है, जिसके पास ब्रांचेस रहेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। मुझे बताओ थ्री के पास ब्रांचेस कितने हैं, थ्री के पास ब्रांचेस कितने हैं, जीरो, थ्री के पास ब्रांचेस तो ही नहीं। मुझे बताओ फोर के पास कितने ब्रांचेस है, फोर के पास ब्रांचेस कितने हैं, फोर के पास जो ब्रांचेस है वो वन है। और रूल क्या कहता है, जितने नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका मतलब थ्री का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और फोर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, यस और नो चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ओके। ऋषभ, सेम मॉलिक्यूलर मास और सेम ब्रांचेस रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा। ठीक है, ओके। इसका रीजन ऐसा है, देखो अभी ये स्ट्रेट लाइन है, ये ब्रांच है, मैं ये फोर कार्बन की, देखो ये एक स्ट्रेट चेन ऐसा है, ठीक है, या तो ऐसे ही है, स्ट्रेट चेन वाला है, ये दूसरा स्ट्रेट चेन वाला है, ये तीसरा स्ट्रेट चेन है, ये चौथा है। ठीक है,
तो ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा पास आ सकते हैं। अब देखो दूसरा तरीका, ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को डायरेक्टली ऐसे अटैच रहेंगे, तो इनका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया इतना है, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया इतना है, इतना सारा। सपोज मैं बोलता हूं कि ये ऐसे अटैच है, ऐसे ऐसे, तो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बड़ा कि कम हुआ? देखो ये इसके साथ ऐसे अटैच है, ये नंबर वन और ये नंबर टू, इसमें कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ज्यादा है, ये नंबर वन और ये नंबर टू, इसमें कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ज्यादा है। डू यू नो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया? डू यू नो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया? देखो ये इतने एरिया में कॉन्टैक्ट में है, इतने एरिया कॉन्टैक्ट में है। इफ मैं इसको ऐसे लगा के ऐसे करता हूं तो इतना ही पार्ट जो रहेगा वो कॉन्टैक्ट में रहेगा। तो सिंपल सी बात है, पहले का कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ज्यादा है, अब कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम है। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ता है, और कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन जब ब्रांचेस को यूज करते हैं तो ब्रांचेस बढ़ने के वजह से उनका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम होता है, और कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम। सही है साहिल? अब देखो मैंने ये मॉलिक्यूल एक टाइप के ड्रॉ किए, ये सभी के सभी मॉलिक्यूल सेम टाइप के है, ए और ए। यहां पे मैं मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूं बी और बी, अब मुझे बताओ ए और ए और बी इनमें से किसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? देखो सारी चीजें ध्यान दो, देखो ये एक मॉलिक्यूल है ठीक है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है, तो क्या होगा? इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में कोई ब्रांच नहीं है तो ये ऐसा चिपकेगा, ऐसे ये कॉन्टैक्ट हो गया। तो अब क्या हुआ, ये इतने रीजन में कॉन्टैक्ट जो रहेगा वो इतने रीजन में है, तो ये होगा कॉन्टैक्ट एरिया। सही है, दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। ओके नाउ उसके बाद यहां पे ये एक मॉलिक्यूल है, ये ब्रांच है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये ऐसा हो गया, ऐसा। सही है, तो पहले मैं क्या था, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच था, अब क्या है, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को डायरेक्टली अटैच नहीं है, ओनली ब्रांच डायरेक्टली अटैच है, तो इतना ही सरफेस एरिया इसके कॉन्टेक्ट में है, इस मॉलिक्यूल का इतना ही सरफेस एरिया इसके कॉन्टेक्ट में है। पहले ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल का सरफेस जो था वो कॉन्टेक्ट में था, साहिल नहीं समझा? यस सिंपल, जितना ज्यादा पास रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, साहिल साहिल समझा या नहीं? एस और कुछ तो लिखो। देखो जब ये अनब्रांच्ड है तो इतना सारा एरिया कॉन्टैक्ट वाला रहेगा, इतना सारा एरिया। जब इसके ऊपर ब्रांच्ड है तो क्या होगा, ये ब्रांच वाला जो एरिया रहेगा वही कॉन्टैक्ट में आएगा, ये पूरा मॉलिक्यूल कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, जब ये रहेगा, देखो दो पेन को आपने ऐसे चिपकाया तो ये स्ट्रांग होगा, लेकिन दो पेन को आपने बस इसी रीजन से चिपकाया तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, क्यों? क्योंकि ये ब्रांच्ड है। ओके साहिल, तो यहां पे ब्रांच नहीं है तो इनके बीच का डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इनके बीच में ब्रांच होने की वजह से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, और डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। सिंपल ठीक है साहिल,
ये सिंगल ब्रांच थे, ठीक है। अब देखो ब्रांच का क्या होता है, पहला वाला समझ में आ गया सेल, फर्स्ट वाले थी क्लियर है, देन इट्स ओके, सेकंड की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो दिस इज सेकंड, थर्ड वन नेचर। ये जो एल्केन है ये पोलार होगा कि नॉन पोलार होगा, इस अल्केन शुड बी पोलार और नॉन पोलार, एल्केन शुड बी पोलार और नॉन पोलार, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलार, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलार। तो जितने के जितने हाइड्रोकार्बन्स है सभी के सभी नॉन पोलार है, और वाटर कैसा है, पोलार, वाटर कैसा है, पोलार। और केमिस्ट्री ये कहती है पोलार पोलार में सोल्युबल होगा, नॉन पोलार नॉन पोलार में सोल्युबल होगा, लेकिन पोलार जो रहेगा वो नॉन पोलार में सोल्युबल नहीं होगा, इसलिए ऑयल को आप पानी में डालते हो तो वो डिसॉल्व नहीं होता है, समझा, क्योंकि ऑयल जो है वो हाइड्रोकार्बन है और ऑयल जो है वो नॉन पोलार है और वाटर जो है वो पोलार है, और इसीलिए ऑयल जो रहेगा वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, क्लियर, ओके। अब तो इसका नेचर जो रहेगा वो रहेगा नॉन पोलार, ठीक है। अब मैंने पूछा ये जो हाइड्रोकार्बन है ये वाटर में सोल्युबल होगा कि नहीं होगा, ये जो एल्केन है वो वाटर में सोल्युबल होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कॉमन सेंस की बात है, वाटर इज अ पोलार एंड हाइड्रोकार्बन इज अ नॉन पोलार। एक बात का ध्यान रखना है, वाटर में कौन कौन सोल्युबल हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, वाटर में कौन कौन सोल्युबल हो सकते हैं। सबसे पहले वो जो पोलार है, सबसे पहले वो जो पोलार है, उसके बाद वो जो आयोनिक होते हैं, जैसे NaCl आयोनिक है, KCl आयोनिक है, तो वो डिसॉल्व होंगे। तो पहला या तो पोलार होना चाहिए, या तो आयोनिक होना चाहिए, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी चाहिए, क्या बनानी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन तीन में से कोई एक भी कंडीशन शो करता है तो वो वाटर में सोल्युबल रहेगा, ठीक है। देवर्ष एक और ऐड कर देना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, ठीक है। तो पोलार आयोनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन कोई तीन में से एक कंडीशन भी शो करता है तो वाटर में डिसॉल्व रहेगा। मैंने पूछा मेरे पास प्रेजेंट है NaCl, वाटर में सोल्युबल होगा कि नहीं होगा, वाटर में सोल्युबल होगा कि नहीं होगा, होगा क्यों, क्योंकि ये आयोनिक है, क्योंकि ये क्या है, आयोनिक है। मैंने पूछा मेरे पास CH4 है, मेरे पास CH4 है, CH4 वाटर में सोल्युबल होगा, जी नहीं, CH4 वाटर में सोल्युबल नहीं होगा क्योंकि ये नॉन पोलर है। मैंने पूछा है R अटैच टू OH, क्या वाटर में सोल्युबल होगा, क्या वाटर में सोल्युबल होगा, यस, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये सोल्युबल रहेगा कंडीशन नंबर 2 से, और ये सोल्युबल रहेगा कंडीशन नंबर 3 से, ये सोल्युबल रहेगा कंडीशन नंबर 3 से। मैंने लिखा है R अटैच टू C डबल बॉन्ड OH, सोल्युबल रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा तो कंडीशन नंबर लिख देना है और नहीं रहेगा तो नो लिखना है, आंसर यस है तो कंडीशन का नंबर लिखना है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, कौन सी कंडीशन, कंडीशन नंबर
थ्री। ओके, तो इस प्रकार से ये वाटर में सोल्युबल रहेगा, ये एच बॉन्डिंग हाइड्रोजन भी बनाएगा, ऑक्सीजन भी बनाएगा, ऑक्सीजन भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। तो ये तीनों के तीनों कंडीशन नंबर टू के हिसाब से, ठीक है। देवस ने पूछा है R अटैच टू O माइनस वाटर में सोल्युबल रहेगा क्या? यस, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये एच बॉन्डिंग बना सकता है, और जो एच बॉन्डिंग बनाएगा वो वाटर में सोल्युबल रहेगा, देवर्ष, ठीक है, यस, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है R अटैच टू NH2, NH2, क्या ये वाटर में सोल्युबल होगा? R अटैच टू NH2, क्या ये वाटर में सोल्युबल होगा? यस, तो कंडीशन कौन सी रहेगी? कंडीशन कौन सी रहेगी? तो ये जो रहेगा ये कंडीशन नंबर थ्री के हिसाब से सोल्युबल रहेगा, कंडीशन नंबर थ्री के हिसाब से सोल्युबल रहेगा। तो आज हमने एल्केन के प्रिपरेशन मेथड और एल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आज का सेशन हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिपीट करना है, ओके, अर्थात फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो फिजिकल स्टेट के बारे में बताता है। फिजिकल स्टेट में क्या होता है, वो आपको ये पूछते हैं कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है एल्केन का, वो कौन से स्टेट में होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा कि गैस में होगा, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल नंबर याद रखना है 517, एक ट्रिक है। जिसके पास कार्बन एटम 5 से कम है वो गैसीय स्टेट में रहेगा, 1, 2, 3, 4 तक। जिसके पास कार्बन 17 से ज्यादा है, 18, 19, 20, 21, 22, वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, कार्बन काउंटर ने, कार्बन हाइड्रोजन ने। और जिनके पास कार्बन 5 से लेकर 17 है, 5 से लेकर 17 इंक्लूडिंग 5 एंड 17, वो रहेंगे लिक्विड स्टेट में। अर्थात हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक्स के साथ अटैच हो तो नहीं, महावीर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे दोनों चलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो भी चलेगा, ओनली ओनली एसिडिक हाइड्रोजन है तो भी चलेगा, और दोनों रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वाटर के पास एसिडिक हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों है, और इसीलिए इनके पास ओनली एसिडिक रहेगा तो भी चलेगा, ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो भी चलेगा, महावीर। और कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। यस, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, यस, ओके, दैट्स ओके, देवस करेक्ट, साइन वो ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाला क्लियर है, ज्यादा डीप में मत जाओ, वो फिलहाल आपके काम का नहीं है, बस सिंपल फॉर्मूले याद रखो, क्लियर हो जाएगा सारी। ओके, चलो कल लॉगिन करने के टाइम पे ध्यान रखना है आपका नेम किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, चलो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।